और खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग और 60-40 के फॉर्मूले के विरोध में दुमका में बंद का व्यापक यहां पर असर दिखने लगा है। और इस व्यापक असर के चलते भीषण गर्मी के बाद भी छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। छात्रों ने लगभग दुमका की सभी सड़कों को जाम कर दिया। इससे साहिबगंज गोविंदपुर मार्ग में आवागमन पूरी तरह से जाम हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार यहां पर लग गई। ये 60 और 40 का विरोध करते हैं। अब झारखंड में जिला के अंतिम सर्वे ऑफ सेटलमेंट खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए और खतियान आधारित स्थान नीति बनाए और जो 60-40 नियोजन नीति लेके आए सरकार उसका विरोध करे। आज जो हम लोग आगाज किए हैं ये तो सिर्फ आगाज है। सरकार को कहां समझ में आ रही है कि आज छात्रों का आवाज है, आगाज है। छात्रों को ये पता चल रहा है कि चलो आज आंदोलन कर रहा है, 2024 में जो है ना फिर से हम जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं होगा। कान खोल के सुन लीजिए, आपका मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, सरकार को आज कान खुल के सुनना चाहिए, आंख फाड़ फाड़ के देखना चाहिए कि छात्र आज जाग चुका है। आज जो है ना फिर आज ऐसा नहीं होगा। आज युवा जो है चिलचिलाते धूप में यदि खड़ी है, यदि हम लोग आज खड़े हैं अपना हक अधिकार पाने के लिए और सरकार जो है आज तक आंख नहीं खुल रही है, तो उसको 24 में आने वाला दिन के लिए जो आगाज किए हैं इससे बृहद आंदोलन होगा। और इतिहास गवाह है, जब जब आंदोलन हुआ है तब तक सरकार को झुकना पड़ा है, क्यों ना स्टेट का गवर्नमेंट हो, क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट हो। देखिए बार बार जो हम लोग को करना पड़ रहा है ये दुर्भाग्य है। और सरकार क्या समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है, ये आज तक यहाँ के नवयुवक और छात्र ने समझ नहीं पाया है। क्योंकि जिस तरह से हम अपना क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं विधानसभा, लेकिन आज तक एक भी ऐसा प्रतिनिधि हम लोगों को देखने को नहीं मिला कि झारखंड के हित के लिए और झारखंडियों के लिए जो बात करें वहाँ पे एक ठोस नीति बनाए, ऐसा किसी ने आज तक काम नहीं किया। और आज हम लोगों को 60 और 40 का जो नीति है ये जबरदस्ती अपरपक जो नीति जो है जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है, तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सारी चीज़ों को छात्र जान रही है, जितने भी छात्र हैं सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और सारी चीज़ों को जान रहे हैं, संवैधानिक अधिकार को समझ पा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से सरकार, आज जिस तरह से हमारे प्रतिनिधि लोग जिस तरह से मौन धारण करके रखते हैं, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय में ये लोग को भी मुँह तोड़ जवाब देंगे। और आज ये आर्थिक आज ये बंदी है पूरे झारखंड प्रदेश में, यदि ऐसा नहीं मानती है, फिर संशोधन नहीं करती है ये नीति, तो हम लोग फिर से जो है एक आर्थिक नकेबंदी होगी पूरे झारखंड प्रदेश में। यहाँ से ना रेल जाएगी, ना कोयला जाएगी, ना गिट्टी, ना बालू, हर एक चीज़ को हम लोग बंद करेंगे। देखिए आज झारखंड गठन के बाद अब 23 साल होने चला हुआ, अगर 24 साल, लेकिन आज तक हमारे झारखंड के नौजवानों के लिए, झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए, जिस तरह से हर स्टेट का, हर प्रदेशों का जो नियोजन नीति होता है जिससे छात्रों को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, अभी तक सरकार ने कोई नियोजन नीति, ठोस नियोजन नीति नहीं बना पाई है। झारखंड सरकार ने जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने 60-40 नियोजन नीति ला करके यहाँ पे 60 आपका झारखंडियों को और 40 बाहरियों को लाने का काम कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने कोयला, बालू और गिट्टी को बाहर भेजने का काम करता, उसी तरह यहाँ का नौकरी को भी बाहर नौजवानों को देने बेचने का काम कर रहा है। हम लोगों ने कई दफा कई संवैधानिक अधिकार से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, डीसी के माध्यम से, धरना से, जुलूस, और इसके पूर्व भी हम लोगों ने एक सांकेतिक बंदी हम लोग रखे थे और प्रमंडलीय स्तर हम लोग रखे, उसमें भी सरकार ने इस 60-40 नियोजन नीति को हटाया नहीं। लेकिन फिर हम लोग को अंततः अभी हम लोग का 72 घंटा का 3 दिवसीय हम लोग का जो आंदोलन रहा, आज हम लोग का पूरे प्रदेशों में, झारखंड प्रदेश पूरा प्रदेशों में हम लोग का बंदी है।